दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, चटिवर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच की टीम बताकर बदमाशों ने नौतनवा से आए व्यापारी से लगभग 1.5 लाख रुपए की छिनैती, पुलिस जांच में जुटी। थाना समाधान दिवस पर थाना शाहपुर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा जनपद में बहने वाली सरयू नदी के जलस्तर में हो रही बढ़त। जलकल परिसर में जीडीए द्वारा बनवाए जा रहे मल्टीलेवल पार्किंग स्थल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। चौरीचौरा थाना क्षेत्र में शराब पीकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने संबंधित कार्यों के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ पार होने पर चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हस्ताक्षर अभियान का हुआ आयोजन। गगहा थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर को खेत में मिले अज्ञात शव का पुलिस ने कराया शिनाख्त, हत्या में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 138 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और थाना समाधान दिवस पर बांसगांव थाने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर में बदमाशों द्वारा अपने आप को क्राइम ब्रांच की टीम बताकर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। नौतनवा से आए व्यापारी को गोलघर के नेशनल मेडिकल स्टोर के पीछे बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर ने पीड़ित व्यापारी से वार्ता कर जल्द घटना का अनावरण करने का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस मौके पर सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, यह व्यक्ति महाराजगंज से यहां आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए। इस पर कीटनाशक दवाइयों की चेकिंग के नाम पर कुछ युवकों ने इनको रोका और इनका बैग चेक किया, बैग में से इनके पैसे निकाल लिए जो कि इनको पता नहीं चला। और जब वो युवक चले गए तो व्यक्ति ने आगे बढ़कर जब अपना बैग चेक किया तो उसमें पैसे गायब थे। इस पर उन्होंने 112 को सूचना किया और तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुँचा है। आसपास सीसीटीवी कैमरा दिखवाए जा रहे हैं और जो अन्य अपराधियों के रिकॉर्ड है वो भी चेक करवाए जा रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, कोई जी, इसमें कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, उसी से मैच करवा कर हमारी टीम लगी है जो लोग हैं उनकी शिनाख्त करके
कुछ लीड हमको मिले हैं, इस पर शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। उत्तराखंड सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जनपद के सरयू नदी के जलस्तर में भी तेजी के साथ बढ़त देखी जा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, प्रदेश में और उत्तरांचल में भी 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक जो वर्षा हुई और इधर नेपाल के साइड में जो वर्षा हुई, उसकी वजह से जो हमारी सरयू नदी है उसमें पानी बढ़ता गया। अभी अयोध्या में पानी बढ़ा हुआ है, गोरखपुर में भी पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, परंतु अभी वो खतरे के निशान से लगभग 45 सेंटीमीटर नीचे है। हमारे मात्र एक गांव में अभी बलथर और बगहा गोला तहसील में है और खजनी के 3 गांव प्रभावित हैं। संभवतः कल तक पानी का चढ़ाव रहेगा और कल के बाद पानी फिर उतराव पे आ जाएगा। सिर्फ गांव में राहत सामग्री की कमी नजर आया है? नहीं, इसमें राहत की आवश्यकता नहीं है, ये तो अचानक पानी आया है और जो एक दो दिन में समाप्त हो जाएगा। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में लगे थाना समाधान दिवस पर थाना शाहपुर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार ताड़ा ने थाने पर मौजूद फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द मौके पर जाकर निस्तारित करने का निर्देश दिया। इसमें चेक किया गया तो बीपीओ कुंदन मौर्य से बात की गई, जो मतलब जैसा हुआ है कि उसने गोली मारने का मुझे पता है कि गोली मारेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना गलत दवा देंगे। गोलमाल जवाब देने का कोई फायदा ही नहीं भाई, आप एक पक्ष का कुछ बताएं तो सही, सही है या गलत है प्रथम। जीडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे गोलघर जलकल परिसर में शहर के पहले मल्टीलेवल पार्किंग का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गहनता के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आगामी 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन, जीडीए व पुलिस विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। बता दें कि यहाँ एक साथ 305 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। त्योहारों को देखते हुए 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस पार्किंग को पूरी तरीके से निशुल्क रखा जाएगा। लगभग 38.32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग में दुकानें भी होंगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसके लिए भी धन स्वीकृत किया जा चुका है। शुक्रवार की देर रात चौरी चौरा थाना अंतर्गत रात्रि गश्त के दौरान खुले में शराब पीकर उत्पात मचा रहे लोगों को पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर शराबियों ने पुलिस टीम के साथ ही मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया,
चौरी चौरा में कल रात्रि में कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि दो हमारे कांस्टेबल गए, उनको जब रोकने का प्रयास किया उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। इस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अभियुक्त दो अभियुक्त फरार हैं, उनके लिए SP नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमें लगी है, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर फूला देवी महिला सेवा संस्थान द्वारा मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने मेहंदी लगवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन भी किया। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया। इसी उपलक्ष्य में विगत वर्षों के बाद ही फूला देवी महिला सेवा संस्थान द्वारा इस वर्ष भी पूर्व संध्या पर मेहंदी की प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है और महिलाओं का भी ये मेहंदी रचाई जा रही है। बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस संस्था को कि इस तरह के आयोजन को महिलाओं को समर्पित इस त्यौहार को मनाने के लिए आज के कार्यक्रम का ये आयोजन करती हैं और बहुत ही सराहनीय। आज के दिन महिलाएं मिलके जो पकवान कल को बनाना है पूजा पाठ में, तो उसके कई पकवानों की विधियां भी एक दूसरे से शेयर करती हैं और अपने त्यौहार को बखूबी उसको मनाती हैं। बहुत खुशी की बात है आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों के सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिले, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बहनों को अखंड सौभाग्य मिले, उन्हें हर खुशियाँ मिले। बहुत बहुत बधाई आपको भी, समस्त दर्शकों को और समस्त यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को, और हार्दिक धन्यवाद जो हमें हर कार्यक्रम अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और इस मेहंदी मेरे भी हाथों में, दोनों हाथों मेहंदी दे। सबसे खुशी की बात है कि बच्चियाँ अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम सोमानी का गीजर, जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं उशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय अमित, विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य के बारे में विवेचना में डिजिटल एविडेंस एवं वैज्ञानिक साक्ष्य की विवेचना, निर्दोष सिद्ध करने के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण व उपयोगिता,
तथा हत्या 302 की विवेचना में वैज्ञानिक विवेचना विषय सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। वर्चुअल के माध्यम से पुलिस महानिदेशक ने कार्यशाला में सभी जनपदों के प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए FIR में सावधानी बरतते हुए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने, वैज्ञानिक तकनीक से साक्ष्य एकत्रित करने और स्टडी के माध्यम से सशक्त और प्रभावी ढंग से विवेचना करने के गुण बताए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्र अधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह सहित विभिन्न संभागों के प्रभारी मौजूद रहे। फिजिकल परीक्षण होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 376 में अगर मिशन 2018 का स्पेक्ट 18 में चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ पार होने के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी RCH डॉक्टर नंद कुमार द्वारा किया गया। यह आयोजन संघ सेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफर के सहयोग से किया गया। हस्ताक्षर अभियान में कोविड-19 लगवाने आए लाभार्थियों, आशा कार्यकर्ताओं, PHC स्टाफ व अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार, फार्मासिस्ट अशोक राय सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया। आज हमारे चरगावा PSC में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। यह 100 करोड़ कोविड टीकाकरण डोज पूरा होने की खुशी में की गई और इससे हमने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम समस्त लोगों को टीकाकृत करेंगे। गगहा थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर को खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मृतक की पहचान खिरकेटा के रहने वाले सुरेश गौड़ के रूप में हुई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज करते हुए मामले की जांच की तो पैसे के लेन देन में 3 अभियुक्तों ने मिलकर इनकी हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर 2 अन्य आरोपी भाइयों की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में पुलिस ऑफिस में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना गगहा क्षेत्र में दिनांक 20/10/2021 को दिन में लगभग 2:30 बजे एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। अज्ञात व्यक्ति था। जानकारी भी ये हुआ यहाँ 12 बजे तक कोई ऐसी बात नहीं थी, खेत में किसान वगैरह थे। रात में पंचायतनामा की कार्यवाही जब तक पूरी हो रही थी, शाम होते होते उसका भाई गणेश गौड़ खिरकिटा आया और उसने मृतक की पहचान अपने भाई सुरेश गौड़ के रूप में की। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई, पोस्टमार्टम हुआ। 21 तारीख को उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और अंतिम संस्कार हुआ। जबकि जिस समय उसने फ़ोन किया था उस समय इनका लड़ाई झगड़ा हो चुका था और उससे उन्होंने झूठ बोला था। इसी आधार पर वहाँ से हम लोग पीछे पीछे पीछा किए थे और ये घरों पर नहीं मिले तो लगा कि बादी ने जो हमें तथ्य बताए हैं वो सही हैं। अंततः अपनी ससुराल से निकल करके शशिकांत तिवारी कहीं और भागने की फिराक में थे तो गगहा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। शेष आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास जो शशिकांत थे, इनका गोला में
2013 में गोवध अधिनियम का मुकदमा इनके खिलाफ है। शेष और छानबीन की जा रही। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद में विभिन्न 138 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 138 बूथों पर हमारा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और आज का लक्ष्य हमने 76,000 रखा है। सर, महाभियान के तरह आप लोग सब टीकाकरण लगातार कर रहे हैं, सर क्या रिस्पॉन्स मिले? नहीं, इधर चूंकि फेस्टिवल मंथ था, काफ़ी छुट्टियाँ पड़ी हैं और नवरात्र वगैरह को लेकर टीकाकरण की गति कम हो गई थी, तो उसी में तेजी लाने के उद्देश्य से इस पूरे हफ्ते हम लोगों ने एक तरह से महाअभियान की तरह काम किया है और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और हम लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द सभी लोगों को कम से कम पहला डोज अवश्य दे दें। थाना समाधान दिवस पर बांसगांव थाने पहुंचे पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने थाने पर मौजूद फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को मौके पर जाकर मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, आज समाधान दिवस के अंतर्गत मैं थाना बांसगांव गया था, तहसीलदार बांसगांव भी थे, इंस्पेक्टर बांसगांव, थाने का पुलिस बल और राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम थी। आने वाले अधिकांश मामले खेत मेड़ के विवाद के, मकान निर्माण के, अवैध कब्जे के, इसी तरह के थे और बहुत सारे मामले ऐसे भी थे जिसमें माननीय न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में या तो बात विचाराधीन है या स्थगन आदेश है। दो मामले आए थे जिसमें पक्की पैमाइश का आदेश SDM के न्यायालय से हो चुका है, दूसरा पक्ष असहमत था लेकिन उन्हें बताया गया उस आदेश के क्रम में आज पक्की पैमाइश होगी, असहमति आपको करनी है तो आप इस निर्णय के खिलाफ वाद योजित करिए और उस पर कोई अनुतोष प्राप्त करिए। माननीय न्यायालय से किसी भी स्तर से, चाहे राजस्व न्यायालय हो, चाहे जुडिशियल कोर्ट्स हो, किसी के निर्णय को आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच की टीम बताकर बदमाशों ने नौतनवा से आए व्यापारी से लगभग 1.5 लाख रुपए की छिनैती, पुलिस जांच में जुटी। थाना समाधान दिवस पर थाना शाहपुर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, दी आवश्यक दिशा निर्देश। ADM वित्त ने दी जानकारी, कहा जनपद में बहने वाली सरयू नदी के जलस्तर में हो रही बढ़त। जलकल परिसर में GDA द्वारा बनवाए जा रहे मल्टीलेवल पार्किंग स्थल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। चौरीचौरा थाना क्षेत्र में शराब पीकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने संबंधित कार्यों के साथ वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ पार होने पर चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हस्ताक्षर अभियान का हुआ आयोजन। गगहा थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर को खेत में मिले अज्ञात शव का पुलिस ने कराया शिनाख्त, हत्या में शामिल एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 138 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और थाना समाधान दिवस पर बांसगांव थाने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।